जिला पंचायत अध्यक्ष ने मंत्री पर लगाया आरोप, भूमि पूजन की नौटंकी कर जनता से कर रहे हैं धोखाधड़ी। अधिकारियों कर्मचारियों पर भी लगाया आरोप, चुनाव आयोग से शिकायत कर मांग की कार्यवाही की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा रीवा विधायक और उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रति तल्ख होते जा रहे हैं। अभय मिश्र का आरोप है कि मंत्री ने बिना स्वीकृति एवं बजट आवंटन के ही निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर जनता को गुमराह करते हुए जनता के साथ धोखाधड़ी की है। पत्रकार वार्ता में अभय मिश्र का आरोप था कि 3 पंचवर्षीय कार्यकाल में इन्होंने गांव गली मोहल्लों की सुध नहीं ली, अब चुनाव के वक्त अपने खास कर्मचारियों की मदद से झूठा भूमि पूजन किया। आरोप है कि जिन कार्यों को प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बजट के अभाव में निरस्त कर मूलतः वापस कर दिया है, उनका भी भूमि पूजन कर दिया गया, जो फ्रॉड की श्रेणी में आता है। जनता के साथ मंत्री ने चीटिंग की, धोखाधड़ी की है। श्री मिश्र ने आपत्ति जताते हुए कहा कि रीवा में भाजपा द्वारा आयोजित कमल शक्ति सम्मेलन में रीता बहुगुणा जोशी के कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग की महिला कर्मचारियों को सम्मानित कर उपकृत किया गया, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आइए सुनते हैं और क्या कहा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्र ने। वापस इटावरा कोतमान से ये वापस, जुड़ामन साके से ये वापस, एक भी मार्ग, हाँ जेपी मुख्य मार्ग से रामनिंजन सुगड़ा के घर तक ये वापस, चरैया से चरैया वापस, लोही से भीटा वापस। मतलब आपने जो 50-60 करोड़ का भूमि पूजन कर लिया, जनता से ताली बजवा ली और वहाँ अपने चेले ठेकेदारों से और अपने पाले हुए इंजीनियरों के माध्यम से वो लगवा कर बढ़िया पत्थर और फीता काट दिया और एक ट्राली गिट्टी गिरा दी, जनता को बेवकूफ बना दिया, जनता खुश है। जनता के सामने ये मैं इनकी पोल खोल रहा हूँ कि ये फ्रॉड है, ये चीटिंग कर रहे हैं। अगर ये बात अभय मिश्रा कहा जाता करता तो आप लोग कहते रहो तो फ्रॉड आदमी कहते कि नहीं कहते ये, और ये बड़े हैं तो ये फ्रॉड नहीं, इनको शोभा देता है। या आप 15 साल मंत्री रहे यहाँ के, आप अपने आप को बड़ा भारी नेता मानते हो, आप सरकार के वो मानते हो, सरकार के आप एक तरह से कोष के वो हो, क्या कुबेर हो, आपको ये शोभा देता है जनता से धोखा देना, चीटिंग करना। ये जनता के, जनता तो बेचारी यही जान रही कि हमारे यहाँ ये काम हो गए और आपने गलत तरीके से करके उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और ये डॉक्यूमेंट है, आप सब लोग ले लीजिए, देख लीजिए, इनसे जाके इनसे प्रश्न पूछिए कि आपने ये फीता काटा है कि नहीं। आप उस गांव में जाइए, वहां पर जनता से पूछिए कि इसका भूमि पूजन हुआ है कि नहीं। जनता बताएगी कि हाँ मंत्री जी आए थे, कर गए, अब तो हमारे गांव की किस्मत खुल गई। और फिर इनसे आप पूछिए कि ये कागज क्या बोल रहा है। पाले हुए ठेकेदार, टेंडर फिक्सिंग रीवा में होती है, मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बात, टेंडर फिक्सिंग का रीवा से बड़ा खेल कहीं नहीं हुआ। ई टेंडर घोटाला का रीवा से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है, समदरिया ई टेंडर घोटाला की उपज। और रीवा में हमेशा से टेंडर फिक्सिंग होती आई है 3 सालों से, मैं इस विभाग में काम करता हूँ, मैं जानता हूँ। यहाँ इनके अधिकारी रहते हैं, सर्वर डाउन कर देते हैं, टेंडर फॉर्म नहीं मिलेगा, रात को आपको फोन आएगा कि 1 बजे रात से 3 बजे रात तक सर्वर ओपन है, जल्दी डाउनलोड कर लो 2 टेंडर फॉर्म और फिर सर्वर बंद।